नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबको स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे। मेरे बहुत सारे ऑडियंस ने मेरे को कमेंट में पूछते रहते हैं कि सर, हम कोई भी NBFC बैंक्स भी है, कोई भी स्मॉल फाइनेंस, बिग फाइनेंस या बैंक्स या कोई भी कार लोन, बिजनेस लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, जो भी लोन लेते हैं, कभी भी हमारे पास पैसा नहीं होता है तो हम उसको डिफॉल्ट हो जाने के बाद हम दोबारा लोन ले सकते हैं, नहीं ले सकते, सेटलमेंट करने के बाद हमारा दोबारा एलिजिबल लोन के बारे में मिलता नहीं मिलता है। बहुत सारे ऑडियंस मेरे मन में सवाल जवाब होता है, ये भी मेरे को कमेंट में पूछते रहते हैं कि जो भी मेरा ऑडियंस से इसके बारे में एक वीडियो बना को हमको जरूर बताया कि बहुत सारे ऑडियंस मेरे को कमेंट मेरे पास आया था। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी लाइफ, पूरी आपको एक पूरी कहानी, सच्चाई बताऊंगा कि आप किस तरह आपको सेटलमेंट हो जाने के बाद आपको लोन मिलता है, नहीं मिलता, क्या होता है, क्या नहीं। इस वीडियो के अंदर भी A to Z पूरी आपको जानकारी दूंगा। अभी फिलहाल वीडियो को शुरू करते हैं। अभी मैं बताऊंगा कि जैसे मेरा खुद का बारे में एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगा। मैं भी बहुत सारे NBFC से लोन लिया था बीच में, और बैंक्स भी लोन लिया था। मेरा थोड़ा फाइनेंशियल इशू हो गया, बिजनेस क्राइसिस हो गया, इसके खातिर मेरा 3-4 लाख रुपये नुकसान हो गया और मेरा पैसा डूब गया। उसके बाद मेरे पास पैसा नहीं था कि वो पैसा को मैं रिफंड कर पाऊँ, क्या वो पैसा को NBFC या कोई भी बैंक को रिफंड दे पाऊँ। उसमें मेरा औकात नहीं था कि मैं पैसा उसको रिफंड कर पाऊँ। इसके खातिर मेरे को क्या करना पड़ेगा कि कुछ लोन को मेरे को सेटलमेंट करना पड़ेगा। वो कुछ लोन को मैं सेटलमेंट कर दिया और कुछ लोन को मैं डायरेक्टली थोड़ा बहुत करके को पेमेंट किया। अभी मैं दोनों का डिफरेंस बताता हूँ आपको क्या करना चाहिए। अभी ये प्रॉब्लम आ जाता है तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, आपको एक सोल्यूशन देता हूँ। सोल्यूशन ये है कि जैसे कि कभी भी आपका लोन डिफॉल्टर हो जाने के बाद आपको पहले ये ऑप्शन चूज करना है कि आपको कितने आपका फाइनेंशियल इशू प्रॉब्लम है। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है तो आपको टाइम ले सकते हैं और थोड़ा बहुत कर करके उसको पेमेंट कर सकते हैं। आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप दूसरा ऑप्शन ले सकते हैं सेटलमेंट। सेटलमेंट करने के बाद आपको एक प्रॉब्लम हो जाता है कि आपका जो सिविल स्कोर सेटलमेंट का शो करता है, दोबारा आपको लोन नहीं मिलता, दोबारा लोन मिलकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। दोबारा लोन लेने के लिए आपको 5-7 साल वेट करना पड़ेगा, उसके बाद उसको रिमूव हो जाता है, उसके बाद उसको भी लोन ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक पूरी ट्रिक्स बता दूँ आप क्या करना चाहिए। आपको जो लोन डिपार्टमेंट लोन लिए थे उनको बोलना है कि वो ऐसे भी आपका सिविल स्कोर ख़राब हो जाएगा। सिविल स्कोर आपका दो तीन इंस्टॉलमेंट डिफॉल्ट हो जाने के बाद आपका पूरा का पूरा सिविल स्कोर ख़राब हो जाएगा। जैसे कि सिविल स्कोर 850 या 750 से ज़्यादा होगा तो खासकर 300 हो जाएगा। जैसे कि मेरे भी कैसे से ही हुआ था, मेरा जो सिविल इतना डाउन हो गया 200 या 150 भी आ गया था, सिविल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा कि मैं वो जो डायरेक्टली जो सेटलमेंट ऑप्शन मैं नहीं चूज़ किया, वो लोन को मैं रुकने दिया और वो लोन का जो ओवरड्यू को मैं पेमेंट नहीं किया, वो जो उसका जो मेन जो जितना पेमेंट करना था उतना मैं पेमेंट किया, लेकिन 2-3 साल के बाद धीरे धीरे करके उसका पेमेंट किया। अभी उसी तरह आप ये ठीक सा करना सकते हैं कि जो भी लोन लेते हैं, लोन डिफॉल्टर हो जाने के बाद आपको क्या करना चाहिए, डरना नहीं है। जितना आपका कॉल आ जाता है, जो भी हो जाता है, जितना वो रह सकते रह सकते, आपको टेंशन नहीं लग, कोई चीज़ नहीं। आपको ये चीज़ एक ही चीज़ करना है कि वो लोन को धीरे धीरे करके चुकाना है। उसके बाद आपका सिविल ऑटोमेटिक इंप्रूव हो जाता है, लेकिन आपको सेटलमेंट नहीं करना है। सेटलमेंट करने से आपको आपका एक तो सिविल तो पूरा कर पूरा डाउन हो जाता है, उसके बाद भी आपका कभी भी कोई कोई केस में रिमूव हो जाता है। सेटलमेंट का जो वहाँ पर ऑप्शन कभी कभी रिमूव नहीं होता, रिमूव नहीं होने के कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, दोबारा लोन नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे बहुत ज़्यादा केस होता है जैसे कि आपका बहुत बड़ा अमाउंट होता है, उसको आप छोटा मोटा अमाउंट होता है तो उसका आप धीरे धीरे करके रिपेमेंट कर देते हैं, हो जाता है। लेकिन बड़ा बड़ा जैसे कि 10 लाख, 5 लाख, 4 लाख का आपको सेटलमेंट करना है, ऐसे तो सेटलमेंट करना ही सही बात है, लेकिन आपको दोबारा लोन लेते नहीं लेते वो तो दूसरी बात है। लेकिन जब भी मुसीबत पे बाहर निकले वही बेस्ट है। मैं बोलता हूँ कि छोटी मोटी लोन है तो आपका जैसे कि 10,000-20,000 का लोन, छोटा मोटा कि 1 लाख-1.5 लाख का लोन हो तो आप धीरे धीरे करके चुका दे। लेकिन 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख का जो सेटलमेंट करना सही बात है मेरे खातिर, क्योंकि सेटलमेंट हो जाता है तो आपको कोई भी एक ही टाइम को वन टाइम जो भी होता है पैसा देने के बाद आपका मन में हेडेक जाता है। दोबारा लोन लेने का बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन क्या करें, प्रॉब्लम हो जाता है, लोन भी लेना पड़ता है। मैं भी इसी तरह प्रॉब्लम ही चला, बहुत लोगों का इस मन में स्वभाव था दूसरी बार लोन ले सकते नहीं सकते। लेकिन आप वो ये बात है कि बैंक के ऊपर निर्भर करता है, बैंक में वो मैनेजर आपकी खुद का हो या मैनेजर की आपका जो चिन्ह परिचय होता है या आपका जान पहचान का हो तो आपको लोन दोबारा वो दे सकता, नहीं तो बहुत सारे लोग लोन नहीं देखते, NBFC कंपनी भी लोन नहीं देता है। फिलहाल मैं सभी और उसको यही बताना चाहता हूँ कि आपका सेटलमेंट कब बहुत ज़्यादा कम करें, और बड़ी बड़ी अमाउंट है तो सेटलमेंट करें, लेकिन छोटा मोटा अमाउंट से वो छोटा मोटा अमाउंट को आप लग सकता है 1 साल, 2 साल या 5 साल, लेकिन थोड़ा बहुत आप कुछ रिपेमेंट करें।
फिलहाल एक पर इतना जानकारी जानना चाहता है। इस वीडियो को पसंद आया, इस वीडियो को अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।